नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, जो कि दोस्तों वैकेंसी आपकी निकाली गई थी 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी 429 पोस्ट पे। और दोस्तों इसमें जैसा कि इसमें इसका पीईटी हो चुका है, यानी कि फिजिकल कम्प्लीट हो चुका है और फिजिकल दिए लगभग 1.5 साल हो गए अभी तक वैकेंसी, मतलब कि एग्ज़ाम का पता नहीं चला कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी डेट बताऊँगा जो आपका एक समय सही समय हो सकता है एग्जाम के लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के इधर उधर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 429 पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो इस फॉर्म में 429 पोस्ट थी, ठीक है, और ये वैकेंसी आपकी 2019 की है। काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए वैकेंसी को आए हुए और 4th साल चल रहा है ये। तो देखिए उस फॉर्म भरे गए थे जैसा कि 5 से 5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन वहीं पे जब आपका फिजिकल हुआ था तो वहाँ पे बच्चे कम आए थे, वहाँ पे बच्चे कम पहुँचे हुए थे फिजिकल में। तो यानी कि 3.5 से 4 लाख बच्चे फिजिकल में पहुँचे थे और क्वालिफाई भी हो चुके हैं, उतने ही लगभग मान सकते हैं 3.75 के आसपास लड़के क्वालिफाई हैं एग्ज़ाम के लिए। आपके 429 पोस्ट हैं और 3.25 लाख लड़के हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं। और तो देखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप जैसे तैयारी करें वैसे करते रहे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है 25 हिंदी रहता है, 25 मतलब हिंदी आप ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन मिलता है, 25 मैथ रहती है, 25 रीजनिंग रहता है, 25 जेके जी एस करंट अफेयर्स रहते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 रहते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। आपको टाइमिंग जो मिलता है वहाँ पे 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों ठीक है, आपकी जैसे भी तैयारी चल रही है वैसे करते रहिए, बाकी आप मैथ और जीके जीएस जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा आपकी तैयारी, और रीजनिंग और हिंदी आप जो इंग्लिश सब होगा आपका उन सब चीज़ों पर ध्यान रखते करिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल की जाएगी क्योंकि पोस्ट यहाँ पे कम है। और मान सकते हैं कि 60+ जिन लोगों का रहेगा उनको चांस मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि 3 से 3.5 लाख लड़के जो हैं कि एग्ज़ाम देंगे 429 पर 2 पर सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, दोस्तों और तैयारी कैसे करना बता दिया कि सब चीज़ों को आपको लेकर चलना है। आपका एग्ज़ाम जो डेट है दोस्तों बता दूं कि 2 अक्टूबर 2 नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अभी देखिए आयोग ने सभी भर्तियाँ करा रहा है, जैसा कि अभी भर्तियाँ SSC CGL वगैरह सब कुछ MTS CHSL सब कुछ भर्तियाँ जो कि पहले की थी वो सब एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपका भर्ती है सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, यह एग्ज़ाम आपका अक्टूबर या नवंबर महीने में आपका हो सकता है दोस्तों, जो कि अभी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और होगा भी दोस्तों, 429 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है दोस्तों। तो आप ये मान के चले कि अक्टूबर मेरा एग्ज़ाम है, अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए और टारगेट मान के चलिए कि अक्टूबर आपको जो भी समय मिल रहे हैं या कि सितंबर अक्टूबर यानी कि जो भी 50 दिन समय मिल रहा है, 50 दिन की तैयारी आप ऐसी करिए कि अपना क्वालिफाई हो जाए। आप जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें आप मान के चलिए कि 80-85 क्वेश्चन हमारे सही सही हो जाएँ, ठीक है दोस्तों। आपको टारगेट मान के चलना है कि अक्टूबर, और नवंबर को छोड़ देना है, अक्टूबर से पहले अक्टूबर 50 दिन बचे हैं अक्टूबर में आने में, अभी से आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों पूरी तरह से। और दोस्तों सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है सियासत क्या चीज़ होते हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ लगती है। तो आप बिल्कुल मन से तैयारी करिए, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, क्योंकि ये नौकरी ये जॉब जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम मैंने तो अक्टूबर नवंबर का मान के लिए, आप अक्टूबर का मान के चलना है। और तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको डिस्क्रिप्शन। जय हिंद दोस्तों।